प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा विधायक विपिन सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। पार्टी कार्यालय बेनीगंज पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक विपिन सिंह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितने कार्य किए हैं उतना कार्य विगत 70 वर्षों में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार अनेक योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, 4 साल में आप लोगों ने जो सम्मान दिया, पार्टी ने जो सम्मान दिया, वाकई में कार्य करने मजा आता है। हमारा तो सारा कार्य हो चुका है, हमारे क्षेत्र में कोई बड़े कार्य बचे नहीं। करुणा काल में भी पूज महाराज जी के आशीर्वाद से 3.5 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत जो थी, 19 राजस्व गांव जो कि नगर निगम समाहित हुआ है, करीब 45.5 करोड़ रुपए का काम वहाँ भी पूज महाराज जी ने सहमति दे स्वीकृत हो चुका है। अभी 14-15 काम की और कोशिश कर रहे हैं, को भी स्वीकृत हो जाए। हाँ, प्रस्ताव दे दिया है, वो भी DDA से करीब नहीं, जो भी है। मैं तो विधायक नहीं था, मैं तो आज विधायक उनके जब आए हैं, बहुत कम समय में उनके साथ अब यह कार्यकाल पागे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में वो योगी जी महाराज के नेतृत्व में 4.5 साल का कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन 4.5 सालों में सरकार द्वारा जनता के लिए कितने अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य किए गए हैं। इसी के निमित्त आज यह प्रेस के भाई को यहाँ सादर आमंत्रित किए हैं। बस यही आज का कार्यक्रम है, बाकी आप लोग अपने ढंग से। क्या विपक्ष कोई काम कराया था क्या इस गोरखपुर में? हम ग्रामीण विधानसभा के विधायक हैं, 300 मीटर ही CC रोड बनी थी, आज मैं 500 वैसे कार्य का मैं खुली चुनौती आप लोगों के चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दे रहा हूँ कि वैसे 500 कार्य पूज महाराज जी के नेतृत्व में आपका यह विधायक गोरखपुर ग्रामीण 500 कार्य ग्रामीण विधानसभा में करवाया है। अब उसके बाद भी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, कुछ है नहीं, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि पिछले सरकार में थे, सत्ता के, कोई प्रयास नहीं किए। आज तो गोरखपुर में पूज महाराज जी के आशीर्वाद से ग्रामीण विधानसभा में 1100 करोड़ से ऊपर के काम हुए हैं, यह उनको दिखाई नहीं देता है। आप देखें चचंदा घाट पुल 35 करोड़ की लागत से, तरकुलानी पंपिंग स्टेशन आपका 84.86 करोड़ रुपए से बन के तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। और आप देखें इस बरसात में भी तरकुलानी पंपिंग स्टेशन चल जाने से गोरखपुर के आधे से अधिक आबादी को बहुत राहत हुई है, नहीं तो जितनी बारिश हुई है गोलघर तक पानी बरसात का दिखाई देता। आप यही देख रहे हैं, नौसर से 4 लेन बन के आपके पेडलीगंज तक आ रहा है 6 लेन, यहीं पर 58 करोड़ से पराग डेयरी बन गई, ग्रामीण विधानसभा में ही IAS IPS कोचिंग सेंटर आपके नॉर्मल के पास खुल गया, नौकायन आपके ग्रामीण विधानसभा में है, इतना बड़ा 259 करोड़ रुपए का चिड़ियाघर आपके गोरखपुर को पूज महाराज ने समर्पित किया, हावर्ड बंधा आपको 29 करोड़ रुपए से 10 मीटर चौड़ा हुआ, 7 मीटर लेपन हुआ, वह विपक्ष को नहीं दिखाई देता है। 30 किलोमीटर 400 मीटर मलौनी बंधा 62.70 करोड़ रुपए से, वह विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। रानी डिहा से सिकटौर होते हुए कोनी तक 12.80 करोड़ रुपए से कार्य हुआ, वो नहीं दिखाई देता है। भगुआ पार बेला बंधा बहुत पहले से कच्चा उसे बना हुआ था, लेकिन पूज महाराज के आशीर्वाद से 13.00 करोड़ रुपए लगा से स्वीकृत हुआ, वो भी 5.5 मीटर उसको लेपन होने जा रहा है। हमारे वहाँ जो भी एंटीरोजन साइट थी, अब बघई कटान स्थल 2 साल में पूज महाराज जी ने 17 करोड़ रुपए करीब उस पर दिया, उससे बाढ़ बचाव कार्य हमारे हुए हैं। हमारे वहाँ लहसड़ी में भी कटान स्थल था, वहाँ भी एंटीरोजन कार्य हुए हैं। बरसाइत में हमारा एंटीरोजन कार्य बहुत अच्छा हुआ था, जहाँ नदी एकदम बंधे से सट गई थी। इसी तरह से नहुआ अव्वल में बाढ़ बचाव कार्य हुआ है। अभी आपको बता दें
तरकुलहा देवी जाने के लिए शहर से जो हम मलोनी बंधा पकड़ के 32 किलोमीटर जाते हैं, वहां पर 4.25 करोड़ रुपए से पक्का पुल स्वीकृत हो गया। करजहाँ में जो है पक्का पुल स्वीकृत हो गया, जिसका काम अब जल्दी चालू हो जाएगा। इस तरह से हम काम गिना नहीं पाएंगे। दक्षिणांचल में बाघागाड़ा से नौसर तक पूरा 4 लेन स्वीकृत हुआ था, जो गैप था। बाघागाड़ा से जरलही 4 लेन बना। नौसर में बस स्टेशन जो कि उसको सफाई नहीं थी, वहाँ कुछ नहीं था, गंदगी का अंबार था, वहाँ पर पूज महाराज जी के आशीर्वाद से नौसर में बस स्टेशन बन गया। इस तरह से बहुत से कार्य हुए। बाढ़ के समय में आपको बता दें, मेरे विधानसभा क्षेत्र के करीब 80 गाँव राजस्व गाँव बाढ़ से प्रभावित थे, जो मैरून घोषित हुए हैं। आप गांव में जाएंगे, हम सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के भाइयों से, कि गांव में जाकर के देखिए गांव की जनता पूज्य महाराज के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बारे में कितनी अच्छी राय रखती है। अब पूज्य महाराज जी का बयान आज देखे होंगे, वही मान लीजिए हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित है उससे अधिक हम लोग जीतेंगे। किसी जनता वोट देती है, किसी नेता के पॉकेट में वोट नहीं होता है। जनता जाइए, जनता देखिए, जनता मुफ्त राशन पा रही है कई महीने से। अभी नवंबर तो उनको 2 बार महीने में मुफ्त राशन मिल रहा है। वैक्सीन विश्व में अकेले भारतवर्ष है जहां मुफ्त वैक्सीन लगा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। और इतना राशन बट रहा है, इतना राशन किट आप लोग देखे होंगे, हमारे मीडिया के भाई हर जगह पहुँचते हैं। राशन किट देखिए, एक आदमी उठा नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं वितरित हुआ था। अब पूरी पारदर्शिता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हो पूरा मनोयोग से पार्टी के लिए काम करा। इस नाते जो पूज्य महाराज जी ने कहा है, उससे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव सीट जीतेगी और पूज्य महाराज के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। अरे किसकी बात कर रहे हैं साहब, जो अपने बाप का नहीं हुआ और किसी का क्या होगा, समाज का क्या होगा। पूज्य महाराज के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चली है, चल रही है। और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को जो दिया, एम्स दिया, इतना बड़ा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया है, ये क्या बहुत बड़ी बात है भैया। गोरखपुर के लिए 4-4 विश्वविद्यालय आपको गोरखपुर को मिल गए हैं। अब उनका स्वभाव विरोध नहीं करेंगे, जाएंगे कहाँ, क्या है उनके पास कोई मुद्दा है, डिबेट करने की बात करें, आवे बैठ जाए। मैं डिबेट में जाता हूँ तो जिलाध्यक्ष तक भग जाते हैं, विपक्ष के विधायक भग जाते हैं, पूर्व विधायक, एक आपराधिक छवि को सामने भेज देते कार्यकर्ता को अपने। ये लोग क्या डिबेट करेंगे, हमने कहाँ खुली चुनौती में दे रहा हूँ आपके चैनल के बाद, जहाँ बुलावे, जिस गांव में बुलावे विपिन सिंह हाजिर हैं, जिस मोहल्ले में बुलावे मैं हाजिर हूँ, चल के उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जनता भी रहेगी, दोनों लोगों की बातें आमने सामने आएगी, स्पष्ट हो जाएगा। अब उनको तो कहना है ना, आप तो महोदय आप बगल में ही रहते हैं, अगर पंपिंग स्टेशन चालू नहीं हुआ होता तो पूरा बाहर का पानी तो नदी का था, अंदर बरसात का पानी नदी के पानी से भी ज़्यादा होता। अब की साल चूंकि बरसात अधिक हुई, बार बार हम आप लोग करें, अब की साल आप लोग महसूस कर कितनी बारिश हुई है, उसी का नतीजा रहता। लगातार आपको बताते हैं, हमारे पास रोज वीडियो आती है 3-4-5 की संख्या में। आप चाहेंगे तो अभी मैं टोटल वीडियो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि रोज की मॉनिटरिंग मैं करता हूँ। और इस वीडियो को पूज महाराज जी को भी, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय आए थे तो हम 1-2 वीडियो पूज महाराज को भी मैं दिखाया था, उनको देखा नहीं कोई, पूर्व विधायक और का कार्यकाल और विपिन सिंह का कार्यकाल, पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यकाल, पूज्य योगी जी महाराज का कार्यकाल, जनता देखी है, देख रही है, जनता निर्णय करेगी, नेता निर्णय नहीं करेंगे। अब ये हम क्या बताऊं उनको, हमारे फेसबुक पर देखिए 4.5 साल कैसे बीता, और हमारा फेसबुक बताएगा कि विपिन सिंह गोरखपुर में थे कि लखनऊ में थे, नदारद थे। हाँ, वो विधायक जी पिछले 5 साल तो दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन 2-3 महीने से अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4-4.5 साल नहीं क्षेत्र में रहे पूर्व विधायक, अब आए हैं, चुनाव का समय आया है, तो इस नाते नाम उम लेना हमको किसी का ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पार्टी के हम लोग MLA हैं, पदाधिकारी हैं, जनता ने इतना अपार समर्थन दिया है, इतनी बड़ी पार्टी विश्व की 1 नंबर की पार्टी है, अब उन लोगों का अस्तित्व ही समाप्त होने की स्थिति में है। देखिए हम जनता के हैं, अभी मेरे साथी ने सवाल किया, उसका जवाब आप खुद दे दे रहे हैं, मुझको जवाब देने की आवश्यकता नहीं हुई, आपने खुद जवाब दे दिया कि बिहारी जी आप राहत सामग्री बांट रहे हैं। निश्चित है जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम भी एक किसान के बेटे हैं, हम भी ट्रैक्टर चलाए हैं, तो हम जनता के बीच में रहते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। और जो प्यार उनमें मिलता है, जो हमारी माताएं हमारी बहनों के बीच में मुझको जो मिलता है, शायद वो हमको और कहीं नहीं मिलता।